नमस्कार केमन आछेन बालुरघाट बासी आपना देर सकल के आमार विनम्र प्रणाम श्रद्धा ओ भालोबाशा नवरात्र के पावन अवसर पर बालुरघाट की इस धरती से मैं सबसे पहले माता बोल्ला काली को प्रणाम करता हूं। आज महाअष्टमी का पर्व है और कल पूरा देश रामनवमी मनाने जा रहा है और ये बार ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। मैं आपको और बंगाल के मेरे सभी भाइयों बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज बालुरघाट का ये जनसमूह, जन जन का ये उत्साह, और मैं बाहर देख रहा था हेलीकॉप्टर से उतरते समय चारों तरफ लोग ही लोग हैं। ये उत्साह और हमारी माताओं बहनों का ये आशीर्वाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून 4 जून 4 जून। आबार एक बार। साथियों, अभी 2 दिन पहले पोइला वैशाख के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले 5 वर्षों की गारंटी दी है। हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। हम मुफ्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल 0 कर देंगे।